हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल नेचुरल गार्डनिंग पर। मित्रों, यह धनिया कोरिएंडर का बीज है, देखिए। मैं इसी को आज मिट्टी में आपके सामने स्प्रिंकल करूंगा, यानी ग्रो करूंगा। कुछ ही दिनों में इसमें हरी हरी धनिया की पत्ती आ जाएगी। मित्रों, मेरा यह वीडियो आप पूरा देखें, तभी आप इसकी पूर्ण जानकारी पा सकेंगे। वीडियो को स्किप ना करें। मित्रों, धनिया कोरिएंडर भारतीय रसोई में प्रयोग की जाने वाली एक सुगंधित हरी पत्ती है। सामान्यतः इसके पत्तों का उपयोग सब्जी की सजावट और ताजे मसाले के रूप में किया जाता है। इसके बीज को सुखाकर सूखे मसाले की तरह प्रयोग किया जाता है। देखिए, आपके सामने है मित्रों। मित्रों, हरी धनिया की पत्तियां और बीज दोनों ही खाने का स्वाद बढ़ा देते हैं। मित्रों, धनिया पत्ती से अगर खाने को गार्निशिंग किया जाए तो उसकी खूबसूरती एवं स्वाद में चार चांद लग जाता है। मित्रों, हरी धनिया या इसका बीज एक आयुर्वेदिक औषधि भी है। इसका प्रयोग पाचन संबंधी समस्याओं से लेकर वजन कम करने, शुगर लेवल को कंट्रोल करने, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में और एनीमिया जैसी बीमारी को दूर करने में फायदेमंद है। मित्रों, धनिया आयरन से भरपूर, साथ ही एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स, विटामिन ए और सी से भरपूर होती है। मित्रों, इस धनिया के बीज को आप ग्रोसरी की शॉप से या बीज भंडार से या ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। मैंने इसे बीज भंडार से खरीदा है। बीज को साफ करना है पहले। इसमें मिट्टी और कंकड़ नहीं होना चाहिए, कोई कीड़ा नहीं लगा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। थोड़ा इसे धूप भी दिखाना है। मित्रों, मैंने सब कुछ कर दिया है, यानी बिल्कुल साफ हो गई है। अब मैं इसके बीज को दो भाग में तोड़ूंगा। इसके लिए देखिए, मैंने एक कटोरी लिया है। अब मैं इस कटोरी से दबा दबा कर धनिया के दो भाग करूंगा। धनिया बारीक नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना है आपने। देखिए मित्रों, अब इसे मैं जमीन में गिरा लेता हूँ। इकट्ठा कर लीजिए इसे, और इसे देखिए कटोरी के पीछे वाले भाग से थोड़ा रगड़ना है, ज़्यादा तेज नहीं रगड़ना है, उतनी तेज रगड़िए जिससे इसके दो भाग हो जाएं। अगर धनिया धूप में सूखी है मित्रों, तो आसानी से दो भाग में हो जाएगी। थोड़ा एक बार हाथ लगा लीजिए, ऐसे क्लोज कर लीजिए। मित्रों देखिए, धनिया दो भाग में हो गई है, इसके बीज दो भाग में हो गए हैं। देखिए, अब इसको हम प्लेट में डाल लेंगे और इसे 24 घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे। मित्रों, 24 घंटे के लिए इसलिए भिगोया जाता है कि ये जल्दी ग्रो हो जाएगी। और यदि आप ऐसे भी सूखे भी इसको अगर मिट्टी में ग्रो करते हैं तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन फिर भी ग्रो हो जाती है। अब इसमें थोड़ा पानी दे देते हैं और 24 घंटे के लिए रख देते हैं। थोड़ा दीजिए बस। मित्रों, स्वागत है आपका। 24 घंटे बाद देखिए, 24 घंटे हो गए, मैंने धनिया भिगोया था और आपके सामने है। अब मैं इसे मिट्टी में ग्रो करूंगा। मित्रों देखिए, अब मैं आपको सॉइल कंपोजिशन की जानकारी दूंगा। एक भाग गार्डन सॉइल, देखिए गार्डन सॉइल है, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए और धूप में सूखी हुई होनी चाहिए। एक भाग सैंड का, देखिए मित्रों, रेत, और एक भाग मैंने लिया है व्हीट स्ट्रा, गेहूं का भूसा। यह मित्रों कोकोपीट का सब्स्टिट्यूट है। यह बहुत सस्ता, यह एक पावरफुल फर्टिलाइजर भी है। बस इसे 4-5 दिन पहले आपने पानी में भिगो करके ही आपने मिट्टी में मिलाना है, यानी 4-5 दिन पहले आप इसे पानी में भिगो दीजिए। और एक भाग मैंने लिया है गोबर की खाद का। इसके जगह पर आप मित्रों वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं, किचन वेस्ट कंपोस्ट भी मिला सकते हैं और ड्राई लीव्स भी मिला सकते हैं। देखिए मेरे पास ड्राई लीव्स भी है,
और वर्मी कंपोस्ट भी है। मित्रों, 1 टीस्पून मैंने हल्दी का भी लिया हुआ है। हल्दी एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है इसमें, इससे मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ता है। अब इन सबको एक में मिक्स करना है। मित्रों, अब देखिए मैं आपके सामने इसे अच्छी तरह से मिला लेता हूँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, जल्दी नहीं करना है। मित्रों, ध्यान ये भी देना है कि कोई कंकड़ पत्थर इसमें नहीं होना चाहिए। पहले तो हम मिट्टी की सफाई कर ही लेते हैं जब धूप में इसे सुखाते हैं, फिर भी अगर कोई कंकड़ पत्थर मिलता है तो निकाल देना है। मित्रों, जिस पॉट में आप बीज लगा रहे हैं या कटिंग लगा रहे हैं या पौधे को रिपोर्ट कर रहे हैं, ध्यान रखना है कि इसमें ड्रेनेज होल होना चाहिए। देखिए, ड्रेनेज होल मैंने किया हुआ है और इस ड्रेनेज होल में अंदर की तरफ से पत्थर का टुकड़ा रखना है। देखिए मित्रों, पत्थर का टुकड़ा इसलिए रखा जाता है कि मिट्टी बहे ना, और ड्रेनेज होल इसलिए किया जाता है कि अंदर का एक्सेस वाटर बाहर निकल सके और हवा का आवागमन प्रॉपर तरीके से हो सके। अब इस मिक्स मिट्टी को इस पॉट में भरना है। पत्थर हिलना नहीं चाहिए, भर दीजिए इसको। मित्रों, धनिया के बीज को ग्रो करने के लिए मिट्टी तैयार है, देखिए आपके सामने। अब मैं इसमें बीज स्प्रिंकल करूंगा, देखिए आपके सामने है। कोशिश ये कीजिए मित्रों कि एक बीज के ऊपर दूसरा बीज ना पड़े। देखिए ऐसे ऐसे स्प्रिंकल कर दीजिए, छींट दीजिए, एक के ऊपर दूसरा ना पड़े। खूब घनी हरी हरी धनिया होगी इसमें। इसमें थोड़ा मिट्टी डाल देते हैं मित्रों। हल्की मिट्टी डालना है। कोई बीज दिखाई नहीं देना चाहिए। अब इसमें थोड़ी पत्ती डाल देते हैं, नीम की पत्ती। इससे ये होगा मित्रों कि चिड़िया बीज को देख नहीं पाएगी, और पत्ती डालने से जब हम पानी डालेंगे पॉट में तो बीज के ऊपर डायरेक्ट ना पड़ के पत्ती के ऊपर पड़ेगा। और चिड़िया भी नहीं खा सकती है इस बीज को। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी दे देते हैं और इसे शेडेड एरिया में रख देते हैं जहां पर इसे छन छन कर धूप मिले। थोड़ा मित्रों सुबह शाम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें देना है। मित्रों देखिए, 12 दिन पहले जो मैंने धनिया के बीज स्प्रिंकल किए थे, कितनी अच्छी ग्रोथ है। पौधे थोड़े बड़े हो गए हैं, हरी हरी पत्तियां कितनी अच्छी लग रही हैं। आप भी अपने घर में बीज से ही धनिया जरूर उगाएं। मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर। फिर मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।